जी, ये मेरा तीसरा शो है लीप का। इस शो से मैंने हैट्रिक की है टेलीविजन इंडस्ट्री में। बैक टू बैक थर्ड लीप वाला शो कर रही हूँ मैं। पिछले जितने भी शोज़ किए हैं उससे ये जो किरदार है वो टोटली अलग है, क्योंकि इसमें एज अ बॉय हूँ मैं, लड़के का किरदार प्ले कर रही हूँ मैं। एंड मेरे लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है, क्योंकि अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा कैरेक्टर किसी को प्ले करने नहीं मिला है। भले एक दो दिन के लिए मिला हो, लेकिन एज अ प्रोटैगनिस्ट नहीं मिला है। और आई एम क्वाइट लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझे ये प्ले करने का मौका मिला। एंड काफ़ी अलग है, ऑब्वियसली प्लेइंग अ गाय इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू डू। सो फॉर मी इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। जैसे फरनाज को मनु बनने में कितना वक्त लगा, कि उसका कैरेक्टर बनाने में कितना वक्त मैं लगभग अभी तक शो ऑन एयर आया नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने होने को आए हैं कि मैं शो से इन्वॉल्व इन शो में इन्वॉल्व हुए मुझे 1 महीने हो गए। एंड फ्रॉम डे वन, जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इसका ऑडिशन भी दिया था मैंने, तब से मन्नू मेरे अंदर चलते रहता है किसी ना किसी तरह। मैं कैसे इसको बेटर कर सकूं, कैसे इस पे और अच्छा कर सकूं, तो ये चलते रहता है। और हर दिन एक नई चीज़ दिमाग में आती है और वो मैं अपने अंदर ढालने की कोशिश करती हूँ। और या मैंने सबके काफ़ी इनपुट्स हैं इसमें, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या नयापन है, क्या अलगपन है, और शो के लीप के बाद क्या अच्छा नयापन आने वाला है। वैसे से अंदर देखा जाए तो आपको काफ़ी अलग तरीके के मतलब आउटफिट्स दिए गए हैं, तो इसे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। जी, मैं जब मैंने गुंजन प्ले किया था वीरा में, तब मैं काफ़ी लड़कियों वाला कैरेक्टर था। सजना, सवरना, लाली लिपस्टिक, नील पेंट, वही उसकी ज़िंदगी थी, वही उसकी दुनिया थी। उसके बाद जब मैंने सूर्यपुत्र कर्ण किया था, उसमें टोटल फेमिनाइन, फुल ऑफ ग्रेस और काफ़ी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था वो, टोटली अलग। और ये एज अ बॉय मैं ये कपड़े पहन कर, आई जस्ट गिव अ वॉक, ये कपड़े पहनकर अगर मैं ऐसे चलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मुझे ऐसे चलना है, तो ये एक वॉकिंग स्टाइल एडॉप्ट की है मैंने मन्नू के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, बहुत अलग फील करती हूँ मैं। इस गेटअप में ही एक एनर्जी है, ये पहनकर ही मुझे कैरेक्टर फील होने लगता है एंड आई जस्ट लव इट, इट्स सो सुपर ऑसम। या अच्छा, वैसे देखा जाए तो आपकी पगड़ी में एक ब्रॉश, ये कुछ स्टोरी से रिलेटेड है? हाँ जी, ये हमारा खानदानी कलकी है, खानदानी ब्रोच है। ये मेरे फादर ने पहन ये मेरी फादर की थी। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है शो में, तो अब ये खानदानी कलकी जो भी शाह बनते हैं ये उनको दी जाती है। तो अब मन्नू शाह बन गया है पूरे कम्युनिटी का, तो ये मन्नू के सर पे लगती है।